राजस्थानी क्यूजीन में लापसी का एक अलग ही महत्व है। हमारे यहाँ राजस्थान में कोई भी मांगलिक पर्व जैसे कि शादी ब्याह हो या कोई भी नामकरण संस्कार हो या पूजा पाठ हवन वगैरह हो, लापसी ज़रूर बनाई जाती है और भगवान के भोग भी लगाया जाता है लापसी का ही। तो आप कह सकते हैं कि अलग ही रुतबा है मीठे के अंदर राजस्थान में लापसी का। और परंपरागत रूप से ये जो लापसी है ये खुले बर्तन में बनाई जाती है और उसमें बहुत टाइम भी लगता है। तो आज हम लापसी बनाएंगे कुकर के अंदर, और कुकर के अंदर बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और बिल्कुल जैसे हम खुले बर्तन में बनाते हैं वैसे खुली खुली लापसी हम बनाएंगे। तो चलिए लेक्चर को यहाँ पे करते हैं बंद और रेसिपी करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ लापसी के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूँ का दलिया लिया है, बिल्कुल मोटा मोटा दलिया है ये। और 1.5 कप मैंने ली है चीनी, 1 कप लिया है घी, और थोड़ा सा मैंने लिया है नारियल जिसको कि मैंने लंबा काट लिया है। इसको हमारे यहाँ राजस्थान में गट बोला जाता है, तो गट लिया है मैंने, इसको लंबा लंबा काट लिया है। अब मैं ले रही हूँ एक कुकर, कुकर के अंदर ऐड कर रही हूँ घी। तो घी मैंने दलिये का बिल्कुल आधा लिया है, 2 कप दलिया मैंने लिया था उसमें मैंने 1 कप घी लिया है। घी को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, ठीक ठाक सा इसको गर्म होने देना है। और जब घी हल्का फुल्का गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सौंफ। सौंफ को अच्छे से क्रैक होने देंगे, ठीक ठाक जब सौंफ क्रैक हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हमारा दलिया जो कि हमने 2 कप लिया है। और अब दलिये को हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो फ्लेम को हाई नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो दलिया बिल्कुल जला जला हो जाएगा। तो लगातार करछी को चलाते हुए और इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लीजिए और इसमें अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये भून चुका है अच्छे से। तो लगभग दलिया जो है मैं लगातार चला रही हूँ और ये भुनने में है, और ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो गया है। तो दलिया हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं पानी, तो गर्म पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, मतलब बॉयलिंग टेम्परेचर पे नहीं किया है मैंने पानी को गर्म, ना ही गुनगुना रखा है, अच्छा खासा उसको गर्म किया है, बस उसको बॉयल नहीं किया है। तो 2 कप दलिये में मैंने 4 कप पानी लिया है, तो मतलब जो दलिया लिया है उसका जस्ट डबल हम लेंगे पानी, और गर्म गर्म पानी को ऐड किया है मैंने दलिये के अंदर। और पानी ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें चीनी भी हम मिक्स कर देंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप चीनी। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो जितना आपने दलिया लिया है उतना ही आप चीनी ले लें, और अगर आप ठीक ठाक मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप 2 कप दलिये में 1.5 कप चीनी ले लीजिए। चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व होने देंगे इसके अंदर जब तक कि इस पानी में एक उबाल नहीं आ जाए। तो जैसे पानी में उबाल आएगा तो चीनी अच्छे से घुल जाएगी दलिये के अंदर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो कटा हुआ गट था, नारियल था, वो भी अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है दलिये में, तो अब जो नारियल है वो इसमें ऐड करके और इसके मैं लगा दूँगी लिड, और एक विसल आने दूँगी इसमें। तो बिल्कुल एक ही विसल लगानी है आपको दलिये के अंदर, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसको अंदर ही अंदर स्टीम के अंदर ही पकने देना है, यानी स्टीम आपको निकालनी नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ये स्टीम में ही पकता रहेगा। तो एक विसल आने के बाद में इसको पकने दें स्टीम के अंदर ही, और बिल्कुल दलिया बन करके तैयार हो जाएगा। और विसल आ चुकी है मेरे इसमें कुकर में, और मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है अब बंद, और स्टीम जो है धीरे धीरे अपने आप निकल चुकी है। ये देखिए अब बिल्कुल भी इसके अंदर स्टीम नहीं है। तो अब टाइम है कुकर को खोलने का, और खोल करके चलिए देखते हैं कैसा बना है हमारी लापसी। तो अब मैं लिड ओपन कर रही हूँ कुकर का, और बिल्कुल हमारी जो लापसी है वो बन करके तैयार है। इसको एक बार चम्मच से अच्छे से हिला देंगे, क्योंकि जब हम इसमें कुकर में बनाते हैं तो जो भी नारियल सौंफ होता है वो बिल्कुल ऊपर एक लेयर बन जाती है उसकी। तो अच्छे से मिक्स कर दें ताकि सभी चीज़ें एक बार अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं, पूरा जो लापसी है वो बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ें उसके अंदर मिक्स हो जाए। और एकदम देखिए खुली खुली बनी है, बिल्कुल जैसे हम खुले बर्तन में बनाते हैं। और अब इसको सर्व कर देंगे, और आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू, किशमिश और बादाम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। और अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म करेंगे इसको सर्व, और बहुत टेस्टी बनती है। और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है जो मैंने 1.5 कप चीनी डाली थी 2 कप दलिया के अंदर, तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट था एकदम, और एकदम खुली खुली उस मेजरमेंट के साथ में ये लापसी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा कुकर के अंदर, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और फटाफट बन के तैयार हो जाती है, और बिल्कुल खुली खुली और टेस्टी बनती है ये देखिए। तो इसको गार्निश किया है मैंने गट से ही, गट के छोटे छोटे टुकड़ों से ही।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी राजस्थान की फेमस रेसिपी है। और अगर आपको पसंद आती है रेसिपी तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मैं भी चलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड।